हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तपिश। आज हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी का कैसे प्रोडक्ट परफॉर्म कर सकते हैं। तो कल तो फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है, पर उससे पहले देखते हैं निफ्टी का क्या मोमेंटम रहा है। निफ्टी भी देखो, हमने कल के लेवल्स निकालते हैं, क्या प्लान करते हैं। यहाँ पे इसी है कि आसपास पहला रिजेक्शन लेवल था यहाँ पे, तो इसका थोड़ा बहुत यहाँ पे इसने हल्का सा निकाला थोड़ा बाहर, फिर वापस से अच्छी खासी सेलिंग यहाँ पे बैक टू बैक आती गई। पर मेन चीज देखो, हमेशा कभी भी हो प्रीवियस डे का जो हाई और लो है, उस लो और हाई को अगर वो मेंटेन कर रहा है, उसके बीच में है वहाँ ठीक है, बाकी अगर उसको कहीं ब्रेक कर रहा है फोर्सफुल मतलब अच्छे मोमेंटम के साथ, तो फिर वहाँ पे अगले वहाँ पर लेवल ब्रेक होने के चांस रहते हैं ऐसी कंडीशन में। जैसे यहाँ पे आई है तो वो इसके आसपास आके वापस से रिवर्सल लेगा, फिर दोबारा जब आया फिर वापस अंदर आने की कोशिश करी, लेकिन इस बार क्या हुआ ना, इसने अच्छी खासी सेलिंग वापस यहाँ से दी और बैक टू बैक उसने सारे लेवल ब्रेक करता गया, कुछ जो लेवल्स बने हुए थे वो सारे उसने मोमेंटम के साथ निकाल दिए। तो मार्केट पुल बैक लेने की कोशिश करता है, जैसे इसने बाहर निकल के जाने की कोशिश भी करी मार्केट निफ्टी में, पर यहाँ पे इसको मतलब सस्टेन हो नहीं पाया, वहाँ पे स्ट्रेंथ मिली ऐसे में, तो पूरा मार्केट वापस से अच्छा खासा अंदर आके फिर जो है, और फिर 21,500 का लेवल अच्छा खासा दिखा दिया। निफ्टी के हिसाब से काफी नेगेटिव है, मतलब हिसाब से पैटर्न है। अब देखो मेन चीज क्या ना, अब यहाँ पे जो मार्केट जिस जगह पर आया है 21,495 के आसपास, वो मेन सपोर्ट लेवल है। अगर यहाँ मार्केट टिका नहीं, जैसे ये वाला जो लेवल है इस जगह का, अगर यहाँ पर टिका नहीं मार्केट इस जगह पर, तो फिर दिक्कत कर सकता है। फिर थोड़ा सा 21,432 तक के टारगेट आगे और 21,385-302 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। पर एक बार यहाँ पे मार्केट थोड़ा बहुत रुके, थोड़ा बहुत एक पैटर्न बनाया ना, जैसे एक रेंज बनाया यहाँ पे कि जैसे इस तरीके से यहाँ पे थोड़ी बहुत एक रेंज बनाया यहाँ पे, उसके बाद या तो मोमेंटम ऊपर दे, ये लेवल ब्रेक करे या फिर ये वाला लेवल ब्रेक करे, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी फ्लो में निकलेगा ना तो होगा क्या, जिसने यहाँ पे पहले से बाइंग कर रखी है इस जगह पर, यहाँ पे पुट ले रखी है मैंने, शॉर्ट कर रखा है, तो वो फिर धीरे धीरे प्रॉफिट बुक करेंगे लोग यहाँ पे आके इस जगह पर। तो इतना लंबा फ्लो आया यहाँ पे, तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग आएगी यहाँ पे, तो एक बार थोड़ा उसका वेट करना, थोड़ा सा प्राइस एक्शन ऐसा कुछ बने जिसमें वापस से सेलिंग का मौका मिले, तब वहाँ पे कुछ नेगेटिव प्लान करना है, क्योंकि आज अच्छा मोमेंटम आया ऐसे में इस जगह पर, तो लेवल ज़्यादा कुछ चेंज करने की नीड है नहीं, जो बनने वाला उसी को यहाँ पे हम कंटिन्यू रखते हैं इसमें, क्योंकि अब देखो ऊपर की तरफ है ना यहाँ पे मल्टीपल रिजेक्शन लेवल है। अभी धीरे जैसे जैसे ऊपर जाएगा वापस सेलिंग आएगी, तो सेलिंग का वेट करना है यहाँ पे कि किस जगह पर अच्छा मोमेंटम मिल रहा है, प्राइस एक्शन कहाँ पे मिल रहा है। आज देखो जैसे नीचे आया फिर पुल बैक करा, नीचे आया पुल बैक करा, नीचे आया पुल बैक करा, मतलब एक हम एक उसको चीज थोड़ा सा पैरेलल चैनल बना देते हैं, जैसे ये है पैटर्न, तो इस जगह की इस तरीके की देखना है यहाँ पे। अब जब भी अगर इस लेवल के ऊपर ब्रेक करता है इस लाइन के ऊपर यहाँ पे, तब कोई है कि थोड़ा बहुत ऊपर सस्टेन करता है, रुकता है वहाँ पे, तब ऊपर मोमेंटम जा सकता है। और जैसे जैसे मोमेंटम एक बार शार्प निकलेगा मोमेंटम ऊपर, जितने भी यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट कराया यहाँ पे यहाँ पे, फिर ये यहाँ से भागेंगे मार्केट से, तो फिर मोमेंटम इतना तेजी से निकल सकता है यहाँ पे ऐसी कंडीशन। तो जैसे अगर ये भागे यहाँ से तो उसमें मोमेंटम तेज है, उस चीज़ का ध्यान रखना है। ऐसे हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी का देखते हैं चार्ट। बैंक निफ्टी का देखो ये लेवल था यहाँ पे, इसने इधर सपोर्ट लेवल ये थे, तो पहले ब्रेक लिया यहाँ थोड़ा सा, इसने बेस बनाया हल्का फुल्का, फिर वापस पुल बैक लिया, वापस से ब्रेक करा, ये लेवल इसने जब ब्रेक करा तो फिर ये देखो जैसे ये एक प्राइस एक्शन बना इसका यहाँ पे, इसने बहुत देर तक रेंज बनाई यहाँ पे, इस रेंज को ब्रेक करा इसने मार्केट में यहाँ पे, उस तरीके से आप देखना यहाँ पे कि कौन से बनता है, हम इसको चेंज करते हैं लेवल्स, ठीक है। तो कभी भी इस तरीके का रेंज बनता है, अब इसके बाद हो सकता है मोमेंटम यहाँ पे करंट मार्केट में ऊपर की तरफ निकलता है, लेकिन ये जो बड़ी कैंडल बना के मार्केट नेगेटिव तोड़ा, तब तो फिर देखो यहाँ पे पूरा जो लेवल्स थे पूरा देखे तक टच करा इसने अच्छा। अब अगर कल इसने इसी जगह रेंज बनाता है और फिर ब्रेक कर देता है इस लो को, आज के लो को, तो फिर 47,225-47,000 के आसपास का टारगेट देखना, फिर 47,000 रुपये कंसिडर करना है, 46,214 का टारगेट, ये टारगेट वापस देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे ऐसे में। और ऊपर जाएगा तो 47,591 के आसपास एक रिजेक्शन लेवल है यहाँ पे, वही मतलब सेम रिजेक्शन हम यहाँ पे काम करेंगे 47,731 के, तो वो जो अब तक सपोर्ट की तरह काम कर रहे थे वो रिजेक्शन करे यहाँ पे काम करेंगे इसी में। और तो ज़्यादा इसमें बाकी चेंज करने की नीड है नहीं, क्योंकि लेवल्स तो वही क्योंकि काम करेंगे, अब बस ये कंडीशन चेंज हो गई, सपोर्ट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया यहाँ पे ऐसे। तो और थोड़ा सा एक बार देखना कि कल अग्रेसिव एकदम शॉर्ट मत करना, तब कोई बढ़िया पैटर्न नहीं बने, क्योंकि यहाँ पे जिन्होंने शॉर्ट करा हुआ आज उनको अच्छे यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा होगा ऐसी कंडीशन में, तो कल हो सकता है बुक कर लें ऐसे में। और अब हम बात करते हैं सीएनएक्स फाइनेंस के बारे में, तो ये है फिन निफ्टी का। फिन निफ्टी में देखो कोई सेम पैटर्न बना है यहाँ पे, इसका हाई था यहाँ पे ये वाला 21,551 का रिजेक्शन लेवल था यहाँ पे, ये प्रीवियस डे का ये लास्ट की जो हाई था ना ये इसका रिजेक्शन था, जहाँ तक इसने गया मोमेंटम मतलब पूरा इसी रेंज में निकाल दिया, या तो सपोर्ट पे बाय करो ये हमने बात होती है, या फिर इस जगह पर एक बार यहाँ पे शॉर्ट करो इसे में, हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज्यादा फेवरेबल होता है। गिरा यहाँ पे ब्रेक लिया, फिर पुल बैक करा, फिर वापस गिरा, फिर ब्रेक लिया, फिर इसी रेंज में वापस घूम फिर वापस यहाँ पे। अब 21,260 का इसका पहला सपोर्ट लेवल है, 21,205 का, फिर 21,140 का,
के यहाँ पे सपोर्ट लेवल हो जाएंगे, यहाँ पे नेक्स्ट ईयर भी लेवल्स तो इसमें सेम रहेंगे। रुपए की तरफ डिजेक्शन का आएगा 21,329 का, 21,390 का, तो लेवल्स इसमें सेम चलेंगे यहाँ पे, या तो फिर चेंज करेंगे। कल इसकी एक्सपायरी है तो हो सकता है थोड़ा सा इसी रेंज में यहाँ पे मार्केट निकाले फर्स्ट हाफ में, जैसे कि ये वाला 21,324 से लेकर 21,220 की रेंज में निकाले, और फिर उसके बाद एक मोमेंटम दे जिस साइड पर डायरेक्शन जाना है वहाँ पे देख, तो उसका वेट करना, एक रेंज बनाए उसके बाद ब्रेकआउट दे उसका मोमेंटम को कैप्चर करने की कोशिश करना ऐसे में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।